रुचि बायोफ्यूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र ठाकुर से बीसीएन न्यूज चैनल के जनरल मैनेजर राज रेणी गुंटा और मार्केटिंग मैनेजर इमरान दाऊदी ने विशेष मुलाकात की और गोंदिया जिले में निर्माण धान गोंडवाना पावर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्लांट की जानकारी ली। रुचि बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड गोंदिया द्वारा जो गोंदिया तालुका में जैव ईंधन का प्रकल्प शुरू होने जा रहा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जैव ईंधन के निर्मिति में खासकर किसान की भागीदारी होगी। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि तेल के कुएं किसानों के खेत से होंगे और जो जैव ईंधन में चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, कुकिंग गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीज़ों का निर्माता किसान के खेती से होगा। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है और इसकी निर्मिति भी हम गोंदिया में करेंगे और जो आज इतना बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और क्रूड ऑयल के माध्यम से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है और इतना बड़ा प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण को हानि हो रही है, उससे बचाया जाएगा। जैव ईंधन न उसके निर्मिति में कोई प्रदूषण है न उसके कंजम्पशन में प्रदूषण है और जो पैसा आज जो हम 8 लाख करोड़ रुपये का इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो पैसा जो है वो आज किसानों के अंदर ही बटेगा और उनको ही मिलेगा। तो हमारे शहर स्वच्छ होंगे और किसान को एक रेगुलर इनकम मिलेगी और हम पर्यावरण पूरक ऐसी खेती भी करेंगे और किसान को एक रेगुलर इनकम देने का एक माध्यम है। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने सबसे पहले गोंदिया में की है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट हमारे हर तहसील में लगे और हमारा विदर्भ जो है उसमें बहुत आगे बढ़े और ये सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को दिखाए कि जहाँ प्रदूषण की बात आती है या जहाँ पेरिस एग्रीमेंट की बात आती है तो हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा कि दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि प्रदूषण मुक्त करना या जीरो नेट करना, नेट जीरो जो इमिशन कहते हैं, उसके लिए हम कंप्लाई कर सकेंगे और हमारा देश न सिर्फ इंडिया में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च आवाज में यह एक लीडरशिप के तौर पे सामने आएगा और कहेगा कि ये हमने साथ किया है और इसमें हमारे किसानों का सहयोग। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर के साथ हर्षद चूटे की रिपोर्ट।